हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड, मैं हूँ गुल्ली और मेरा ब्लॉग काफ़ी लेट आया क्योंकि आप लोग मुझे ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं बहुत दिनों के बाद मैं ब्लॉग डाल रही हूँ। इस पर ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्यार दीजिएगा। फ्रेंड, मैं आप लोग साथ आज शेयर करने जा रही हूँ झारखंड का सबसे लंबा पुल, जो आप लोग यूट्यूब पे भी सर्च मारिएगा तो आप लोग को देखने को मिल जाएगा। झारखंड का सबसे लंबा पुल, जिसे हम लोग आप इसे सेल्फी ब्रिज से नाम से जाना जाता है। ये ब्रिज दुमका के एक गांव में पड़ता है, जो कि बहुत ही शांत जगह है। और इस पुल और ये ब्रिज इतना लंबा पहले नहीं था, लेकिन एक साल पहले ही ये ब्रिज बना हुआ है, जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। और यहाँ से जाने का नज़ारा भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि जो दुमका एयरपोर्ट से होकर हम लोग जाते हैं। अगर आप लोग भी झारखंड आते हैं और ख़ास करके दुमका आते हैं तो ज़रूर जाइए। दुमका से 6-7 किलोमीटर की दूरी पे है। देख सकते हैं झारखंड का कैसा नज़ारा रहता है। यहाँ पे हरी हरी पेड़ पौधे होती है, देख सकते हैं आप लोग। यहाँ का सब झारखंड में काफ़ी हरियाली है, बहुत ज़्यादा हरियाली आप लोग देख सकते हैं। अभी हम लोग पहुँच गए हैं, देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर आ गए सेल्फी ब्रिज, जो कि काफ़ी लंबा पुल है। इसको आप लोग पैदल जाएंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, काफ़ी थकावट हो जाता है, इसलिए हम लोग बाइक से जा रहे हैं। यहाँ पे सबसे अच्छा रहेगा बाइक या फोर व्हीलर, कोई अपना गाड़ी लेकर जाइए और अच्छा अच्छा वीडियो शूट कीजिए, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा लोग वीडियो शूट करने ही आते हैं। मैं सोची कि आप कहीं मैं ब्लॉग नहीं डाल रही हूँ, आप लोग के साथ कुछ मैं नहीं शेयर कर रही हूँ, इसलिए मैं आज आप लोगों के साथ सोची कि मैं जा रही हूँ सेल्फी ब्रिज, तो आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। और आप लोग भी एक बार आइए और यहाँ पे अच्छा अच्छा रील शूट कीजिए, अच्छा अच्छा फ़ोटो लीजिए, क्योंकि इसका नाम ही है सेल्फी ब्रिज। यहाँ पे ज़्यादा लोग फ़ोटो लेने ही जाते हैं। देख सकते हैं कितना लंबा पुल है फ्रेंड, आप लोग देख सकते हैं। झारखंड में इसका आप लोग गूगल पे या यूट्यूब पर सर्च मारिएगा कि झारखंड का लंबा पुल, तो आप लोग को इसमें सेल्फी ब्रिज ज़रूर आएगा। बहुत सारा आएगा लेकिन इसमें सेल्फी ब्रिज आएगा ही आएगा। देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी पानी सूख भी गया है। यहाँ पे हम लोग अभी बीच में ज़्यादा नहीं गए हैं, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा लोग था, सोचे कि मैं मुझे थोड़ा सा करना था रील शूट, इसलिए मैं इधर ही रुक गई। देख सकते हैं बहुत लंबा पुल है, यहाँ पर देख सकते हैं छोटे छोटे लोग दिख रहे हैं, और मैं दिखाऊँगी आप लोग को आगे जाकर, क्योंकि पैदल में नहीं जा सकते, बहुत दूर है, इसलिए हम लोग बाइक से ही। ऐसे लोग बोलते हैं कि इसका लंबाई है 2.5 किलोमीटर, अब पता नहीं, मुझे भी लगता है काफ़ी लंबा लगता है, लेकिन ऐसे लोग बोलते हैं कि 2.5 किलोमीटर लंबा। यहाँ पे हम लोग अपना भी वीडियो लिए, देख सकते हैं। मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, और यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने देख सकते हैं, और इनका तो कहीं भी जाते हैं इनका मस्ती अलग ही रहता है। देख सकते हैं यहाँ पे चढ़ के घूम रहे हैं। अगर आप लोग भी फ्रेंड झारखंड में आ रहे हैं और ख़ास करके दुमका में, तो आप लोग भी सेल्फी ब्रिज एक बार ज़रूर जाइए और अच्छा अच्छा रील बनाइए। अगर आप लोग रील नहीं बनाते हैं तो अच्छा अच्छा फ़ोटो लीजिए, क्योंकि इसका नाम है सेल्फी ब्रिज। यहाँ पे देख सकते हैं कितना अच्छा पानी है, यहाँ पे देख सकते हैं नीचे में आप लोग, मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, छोटा छोटा दिख रहा है, बोट भी है, देख सकते हैं। और ज़्यादातर यहाँ पे शाम में ही, शाम को ही अच्छा लगता है, और ज़्यादा रात में भी यहाँ पे आना सही नहीं है, क्योंकि ज़्यादा रात में ही सुनसान जगह है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा 7 बजे तक यहाँ पे रुकिए, उसके बाद मत रुकिए। मैं आप लोग को नहीं बोलूँगी रुकने के लिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत शांत जगह है। मैं आप लोग को दिखाने की कोशिश, देख सकते हैं कितना लंबा पुल है, आप लोग को देखने से ही लग रहा होगा। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरी है, लेकिन पहले जैसा मेरा वीडियो पे व्यू ज़्यादा था, जैसा मेरा सब्सक्राइबर जैसे बढ़ता था, कुछ भी नहीं है, बहुत स्लो है, कुछ भी वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा है मेरा। बहुत दिन बाद ये ब्लॉग आया है, क्योंकि मैं पहले हमेशा ब्लॉग डालती थी, मैं जहाँ जाती थी वहाँ डाल देती थी, आप लोगों को दिखाती थी, लेकिन मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ, इसलिए मुझे वीडियो बनाने का मन नहीं करता है। यहाँ पे मैं सोची कि आप लोगों के साथ मैं कुछ शेयर करूँ, बहुत दिन से मैं आप लोग से बात नहीं की हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को दिखाने को। यहाँ पर देख सकते हैं पानी,
अभी हम लोग बीच में नहीं गए, बीच में जाएंगे तो आपको मैं दिखाऊंगी। अभी हम लोग इधर ही हैं, देख सकते हैं कितना लंबा है। अगर आप लोग झारखंड से होंगे या दुमका से होंगे तो आप लोगों को तो ज़रूर पता होगा। अगर आप लोग नहीं हैं, झारखंड से नहीं हैं, तो आप लोग जब भी आइए झारखंड देवघर, देवघर तो हर लोग आते हैं, तो आप लोग एक बार ज़रूर देखिए, बहुत ही अच्छा लगेगा। देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग चलने का तैयारी कर रहे हैं। मैं सोची हूँ कि बहुत हवा चल रहा है, बाल देख सकते कितना बिखर चुका है, इसलिए मैं थोड़े से थोड़ा चेहरा बांध ली। यहाँ पर देख सकते हैं मैं अपना बैग ले ली और मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा आगे और चलते हैं, आप लोग को मैं दिखाती हूँ, क्योंकि मैं अभी बीच में ही बीच में भी नहीं गई हूँ, क्योंकि बहुत लंबा है। यहाँ पे थोड़ा सा भीड़ कम था, मैं सोची यहाँ पे अच्छा सा रील शूट कर लेती हूँ और आप लोग रील पे ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए और सपोर्ट कीजिए। देख सकते हैं अभी हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बाइक या फोर व्हीलर ही सबसे सही है। देख सकते हैं आप लोग पैदल सोचिए कि पूरे पुल को आप घूम लें, लेकिन नहीं हो पाएगा, बहुत बड़ा ब्रिज है और इसका नाम भी है सेल्फी ब्रिज। और इसे लोग मयूराक्षी नदी के नाम से भी जानते हैं, ज़्यादातर लोग इसे सेल्फी ब्रिज ही बोलते हैं। सेल्फी ब्रिज आप अगर आप लोग बोलिएगा तो आप लोग यूट्यूब पे आसानी से मिल जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे सभी लोग फ़ोटो खींचने में लगे हैं। थोड़ा सा कम भीड़ था, इतना लंबा है कि लोग भी थे तो आगे में थे, वहाँ पे हम लोग भी थोड़ा सा कम भीड़ देखकर खड़े थे। देख सकते हैं यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। देख सकते हैं फ्रेंड कितना लंबा है, कि मैं अभी आप लोगों को दिखा ही रही हूँ। हम लोग थक के मुड़ गए और लास्ट में आप लोगों को छोटा सा दिख रहा था, वहाँ पे आइसक्रीम जो खाने वाला कुछ चीज़ था वहाँ पे मिल रहा था। मैं उतना आगे नहीं गई, हम लोग भी घूम कर आ गए क्योंकि शाम होने वाला था और ज़्यादा देर तक रुकना सही नहीं था। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, यहीं से एंट्री होता है। यहाँ पे हम लोग लिए बहुत सारा फ़ोटो। और कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा, प्यार दीजिए, दुलार दीजिए और शेयर कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।